हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिसेस एकता गौर विद माय अनदर वीडियो ऑफ बायोलॉजी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10। ऑलरेडी आई हैव गिवन माय ऑल द कंटेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन इन 6 पार्ट्स। ठीक है, आप लोगों ने न्यूट्रिशन के लिए क्वेश्चन आंसर्स भी किए हैं, MCQs भी किए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी किए हैं। और इसके साथ साथ आपको मैंने रेस्पिरेशन का एक्सप्लेनेशन दिया है और अभी आपको उसके भी क्वेश्चन आंसर्स और MCQs मिलने वाले हैं। यहाँ पर हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन इज द लास्ट वन प्रोसेस इन दिस चैप्टर। इससे पहले आपका ट्रांसपोर्टेशन भी आता है। ट्रांसपोर्टेशन हम एक्सक्रीशन के बाद पढ़ेंगे। रीज़न थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप लोग अभी एक हैबिट में आ जाइए जिससे कि आपको बायो समझ में आने लगे और आप डिफ़िकल्ट चीज़ को भी आसानी से समझ सकें। ठीक है, दूसरी मेरी एडवाइस ये है कि जहाँ पर एक्सक्रीशन, जहाँ पर भी आप अपने नोट्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप पार्ट 8 भी डालकर रखिए कि पार्ट 8 क्या है। ठीक है, तो पार्ट 8 होगा तो आपको याद आ जाएगा कि हम एक्सक्रीशन पढ़ रहे थे। ठीक है, यूट्यूब पर जाकर आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। ठीक, तो अब देख लेते हैं वॉट इज एक्सक्रीशन। एस एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विच इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। तो एक्सक्रीशन एक्चुअल में प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन में हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना, हम रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन क्या कर रहा है? उसको कंबस्टाइल कर रहा है और वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन उस मटेरियल को ब्लड के थ्रू एक ऑर्गन से लेकर दूसरे ऑर्गन तक लेकर जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस में हमारी बॉडी में लगभग 3 फैक्ट्रीज चल रही होती है, जिन फैक्ट्रीज में वर्क होता है और उनकी वजह से कुछ वेस्ट मटेरियल भी हमारी बॉडी में बनता है। तो द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, अब ये जितना भी काम हुआ, जो एलिमेंट्री कैनल ने किया, लंग्स ने किया और हार्ट ने किया, वो सभी वर्क कहलाते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, सो द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज नोन एज एक्सक्रीशन इन द सिंपल लैंग्वेज। अदरवाइज यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन एंड यू हैव टू राइट दिस काइंड ऑफ डेफिनेशन ओनली। नेक्स्ट इज इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द सेल्स इन टू द सराउंडिंग बाई डिफ्यूजन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए मैंने आपको अमीबा बहुत बार पढ़ाया है। तो अमीबा में इंजेशन भी किससे होता है? सेल के थ्रू होता है, और जब रिमूवल होता है किसी भी वेस्ट मटेरियल का तो वो भी सेल के ही थ्रू होता है, इसलिए उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव थ्रू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। अब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एक स्पेशल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें लिक्विड फॉर्म में भी रिमूवल होता है बॉडी से वेस्ट मटेरियल का, और सॉलिड फॉर्म में भी होता है। ठीक है, सो वी गेट द यूरिन वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सो नाउ सी द नेक्स्ट कंडीशन। नाउ लेट सी द एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। सो हियर ऑलरेडी आई टोल्ड यू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो वॉट हैपन्ड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? एज प्रोटोजोन्स हैव नो ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, क्योंकि इनके पास, प्रोटोजोन्स के पास एक यूनिसेलुलर बॉडी होती है, एक ही सेल होती है, तो स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। एज दे लिव इन एन एक्वेटिक हैबिटेट देयर वेस्ट आर एलिमिनेटेड बाई डिफ्यूजन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपको मैंने बताया है कि सेल में, आपने पढ़ा भी है 9th क्लास में, कि जो आउटर कवरिंग होती है वो एनिमल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होती है। तो यानी अब इनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है, तो जो भी डिफ्यूजन होगा बॉडी से वो किसके थ्रू होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अब आपके पास वन वर्ड आंसर्स MCQs अक्सर आपसे पूछे जाएंगे,
तो इन पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि जस्ट देयर वेस्ट आर एलिमिनेटेड बाय डिफ्यूजन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही है. जैसे एग्जाम्पल अमीबा थ्रो आउट देयर वेस्ट बाय डिफ्यूजन फ्रॉम देयर बॉडी सर्फेस. तो अमीबा किसके थ्रू फेंक रहा है, बॉडी सर्फेस के थ्रू बाहर वेस्ट मटीरियल को डिफ्यूज कर रहा है. ठीक है, नाउ सी इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वॉट हैपेंड इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव वेल डिफाइंड स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. तो जैसे कि एनिमल्स जितने भी हैं हायर कैटेगरीज में आते हैं उन सभी में एक कन्फर्म एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं. आप लोगों ने नाइन्थ में डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ा था तो आपको याद आ रहा होगा कि मोलस्कंस, जो मोलस्का होते हैं वहाँ से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हुए थे. तो वहाँ से लेकर अब तक जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं दे आर मोर डेवलप्ड, इन द मोर डेवलप्ड कंडीशन. तो इसलिए हम इनको बोलते हैं वेल डिफाइंड स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. ठीक है, एग्जाम्पल हाइड्रा थ्रो आउट सॉलिड वेस्ट मैटर थ्रू देयर माउथ. अब हाइड्रा है, हाइड्रा भी बहुत छोटा होता है बट ये कॉलेंट्रेट्स में है, इसके पास भी अलग लिटिल बिट सेपरेट फंक्शनिंग होती है जिसमें कि ये वेस्ट मटेरियल को अपने माउथ के थ्रू बाहर फेंकता है. ठीक है, तो एटलीस्ट एक स्पेसिफिक डिफरेंट ऑर्गन आ गया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा नहीं है. ओके, अब दीज ऑर्गन्स कुड बी सिंपलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एज इन फ्लैटवर्म्स, लीच, इंसेक्ट्स जैसे ग्रासहॉपर, कॉकरोच एंड हाउस फ्लाई आर ऑल्सो ट्यूबुलर. दे रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस इन द बॉडी. अब ये भी जितने हैं स्ट्रक्चर्स, फ्लैटवर्म हो गया, ठीक है, एनालिट्स होते हैं, लीच हो गया, एनालिट्स हैं ये भी, इंसेक्ट सारे आर्थ्रोपोड्स हैं, इन सबके पास भी अपने अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं. जैसे कि मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स किस में होती हैं, इंसेक्ट्स में, कॉकरोचेस में होती हैं. ठीक है, तो जैसे कॉकरोचेस में मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं ऐसे ही मैं आपको कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के नाम आपको बताऊंगी, वो आपको याद रखने हैं. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. एस नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म. तो एक्सक्रीशन के लिए अर्थवॉर्म का ऑर्गन कैसा होता है, ट्यूबुलर होता है. इसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड नेफ्रीडिया. ठीक है, इन वर्टिब्रेट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस आर किडनीज. अब ये आपको बहुत अच्छे से पता भी है कि किडनीज जो होती हैं वो हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर फेंकने का काम करती है. इन ह्यूमन बींग्स थिन ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन आर प्रेजेंट एज एक्सक्रीटरी यूनिट इन किडनीज. अब किडनीज के अंदर भी एक माइन्यूट यूनिट होती है जिनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं. ठीक है, ये हमारी बॉडी में किडनीज में लगभग 1 मिलियन होते हैं. तो हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है क्योंकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल बनता है और वेस्ट मटेरियल का शरीर से बाहर फेंकना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है. इसलिए यहाँ पर नेफ्रॉन बहुत सारे नंबर में होता है दोनों ही किडनीज के अंदर. ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये नेफ्रॉन बोल रहा है और यहाँ नेफ्रीडिया बोल रहा है. अब यही थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन मिल जाता है समटाइम. यू कैन गेट द डिफरेंस बिटवीन नेफ्रीडिया एंड नेफ्रॉन. आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी मिल रहे हैं तो ये बहुत ग्रेट कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है. आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया होते हैं और हमारे अंदर नेफ्रॉन होते हैं. जो आपके पास है आप उसको याद रखेंगे तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो डिस्टिंग्विश हो जाता है. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी वेस्ट प्रोडक्ट्स इन ह्यूमन बींग्स, वॉट काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स वी आर हैविंग. ठीक है, अब देखो बच्चों, एज द किडनीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स,
Beside the kidneys, skin, liver and lungs also help in excretion. तो हमारी बॉडी में किडनीज तो काम कर ही रही है, लेकिन इसके अलावा स्किन भी कर रही है. जैसे कि आपको मालूम है स्किन क्या करती है, स्किन स्वेटिंग का काम करती है. लिवर, लिवर क्या कर रहा है, लिवर जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है. ठीक है, आपने डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस पढ़ा है, वो लिवर से ही होता है. तो जितना भी कोई भी ऐसा ड्रग हमारी बॉडी में चला जाता है जिसमें कि अल्कोहल भी है, सो वो वहीं लिवर के थ्रू ही लीवर के थ्रू ही उसका रिमूवल हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है. अब लंग्स, लंग्स तो आपका हैंड टू हैंड डे बाय डे आप ब्रीथिंग कर रहे हैं और लंग्स साथ के साथ ही उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सक्रीट करने का काम कर रहे हैं. ठीक है ना, तो इसलिए हम केवल और केवल किडनीज को काउंट नहीं कर सकते हैं. अब देखो स्किन क्या कर रही है, एज आर स्किन हैज स्वेट ग्लैंड्स थ्रू विच वी एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर, यूरिया एंड सॉल्ट्स. तो आपने अपने स्वेटिंग जो है उसका आपने टेस्ट तो आपने चखा होगा, तो उसमें आपको सॉल्ट महसूस होता है. तो ऐसे ही क्या है, तो स्किन के अंदर से भी यूरिया बाहर आ रहा है. यदि हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, किसी किसी की आपने देखी होगी बैड ब्रीथ होती है स्वेटिंग में, तो वो उसमें यूरिया और सॉल्ट ज़्यादा मात्रा में एक्सक्रीट होते हैं. यानी उनकी किडनी जो है, किडनी के लिए उनको थोड़ा सा एफर्ट्स करना चाहिए, प्रॉपर ईटिंग करनी चाहिए, प्रॉपर और बैलेंस लाइफ होना चाहिए, तो इस तरह की स्वेटिंग से तब हम बच सकते हैं. ठीक है ना. अब बच्चों एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से कर रही हूँ, यदि आप लोगों ने लाइक बटन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक बटन आप प्रेस कीजिए, क्योंकि मुझे उसी से ही खुशी मिलने वाली है. ठीक है, आप लोग उसको समझ रहे हैं और सुन रहे हैं, तो आप उसको लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी अपडेट्स मिलती रहें. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द लंग्स. As the lungs help in getting rid of carbon dioxide formed as a result of cellular respiration through exhalation. ठीक है, अब जो exhalation process मैंने आपको respiration में बताया था, तो actually it is a kind of excretion for from our body. Because यहाँ पर भी carbon dioxide जो हमारी body के लिए बहुत ज़्यादा harmful हो सकती है, उसको lungs बाहर फेंकने का काम करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द लीवर. वॉट डज वर्क डन बाई द लीवर, एज द लीवर एक्सक्रीट्स बाइल विच कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स. ठीक है, लीवर में बाइल जूस होता है, बाइल पिगमेंट्स होते हैं. ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या काम कर रहे हैं, पहला काम ये कर रहे हैं, दीज आर प्रोड्यूस बाई द ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड आरबीसीज इन द लीवर. ठीक है, बाइल बन कैसे रहा है कि जितनी भी पुरानी आरबीसीज हैं उनका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में हो रहा है, कि वो बाइल जूस बनाने का काम कर रहा है. तो एक तो क्लीनिंग अंदर ही अंदर होगी. ठीक है ना, और एज हीमोग्लोबिन ब्रेक्स डाउन इट्स आयरन इज रिटेन्ड बाइल द पिगमेंट इज एक्सक्रीटेड विद द बाइल, द लिवर ऑल्सो एक्सक्रीटेड कोलेस्ट्रॉल, एक्सक्रीट्स कोलेस्ट्रॉल. तो अब देखो लीवर जो है, यहाँ तो आपको बहुत ही कम फंक्शन आपको पता चल रहे हैं, क्योंकि अब आप 10th क्लास में हैं, अभी बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है. ठीक है, लीवर हमारी बॉडी की ऑल ओवर फॉर्मेशन को कंट्रोल में रखता है. ठीक, अब यहाँ पर जो ओल्ड आरबीसीज हैं उनका ब्रेक डाउन होता है, और जो हीमोग्लोबिन है वो ब्रेक डाउन होता है, उसका आयरन जो है वो वापस बॉडी में यूज हो जाता है, लेकिन जो पिगमेंट है वो बाइल के साथ में, बाइल जूस के साथ में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है. बाइल जूस कहाँ पर काम आता है, बाइल जूस इंटेस्टाइन में जब एक्सक्रीशन प्रोसेस शुरू होता है वहाँ पर काम आता है. तो उसी के साथ साथ ही हीम भी लिवर बॉडी से निकाल देता है. ठीक है, एंड द लिवर ऑल्सो एक्सक्रीट कोलेस्ट्रॉल. अब लिवर बाइल जूस क्या काम कर रहा है, बाइल जूस जितने भी फैट पार्टिकल्स हैं, फैट ग्लोब्यूल्स हैं हमारी बॉडी में, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं, उनको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है. तो यानी कि लिवर और क्या काम कर रहा है, इट इज रिलीजिंग और एक्सक्रीटिंग आर कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑल्सो. ठीक है,